नमस्कार भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस चैनल पर शेयर करते आया हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हमारे बालों के लिए कौन सा ऑयल सही होता है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमें कौन सा ऑयल लगाना चाहिए और कब तक लगाना चाहिए, कितने कितने टाइम में लगाना चाहिए, आखिर ऑयल का क्या काम होता है। तो हेयर ऑयल के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था उसके पहले मैंने कितने ऑयल लगाए थे। जैसे कि जितने भी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं उन कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, तो जो भी हेयर फॉल के लिए आते हैं सभी ऑयल मैंने लगाए हैं, एक भी ऑयल नहीं छूटा ये समझ लो, ठीक है। सभी मैंने ऑयल को यूज़ किया है, इसके बाद भी मेरे बाल झड़ गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ऑयल का क्या काम होता है। तो ऑयल का काम होता है हमारे जो बाल होते हैं बालों में हम जो ऑयल लगाते हैं तो ऑयल नेस दिखने लगती है, एक अच्छा चमक आ जाती है, बस ये दिखता है। यदि आप ऑयल नहीं लगाओगे तो मैं गारंटी लूँगा कि आपका एक महीने, दो महीने, तीन महीने, मतलब कि बालों में ऑयल नहीं रहेगा, बिना ऑयल लगाए आपके बालों में ऑयल ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं अपना एक्सपेरिमेंट बताऊँ, मैंने लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं एक भी दिन मैंने बालों में तेल नहीं लगाया, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर कट रही है। आप हेयर ऑयल लगाओगे, हेयर ऑयल लगाने के बाद आपका सिर में कचरा आ जाएगा, कचरा आ जाएगा फिर आपको शैम्पू करनी पड़ेगी, फिर आप हेयर ऑयल लगाओगे, तो ये हमें ठीक नहीं लगा बिल्कुल, ठीक है। यदि किसी को लगाना है तो कोकोनट ऑयल, वो भी ओरिजिनल लगाओ, कभी भी लगाना है तो, वो भी ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल रेगुलर रोज ही लगाओ। बाल गंदे कर लेते हो फालतू में, बाल गंदे करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। आप तो सबसे बढ़िया क्या करो कि हेयर जो बालों को धो बढ़िया, और एक दो दिन ऐसे ही छूटा रहने दो, ऑटोमेटिक बालों में ऑयल आ जाता है, किसी भी ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरे पास मिनोक्सिडिल है, तो मिनोक्सिडिल ऑयल के जैसे नहीं होता, मिनोक्सिडिल बिल्कुल पानी के जैसे होता है। आप लगाओ तो उसमें बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या लगा लिया है, ठीक है। तो उसको लगाओ, बढ़िया बाल सूख जाते हैं, बाल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तो बाल भी एक नंबर लगते हैं और हमारे हल्कापन भी रहता है। मतलब मिनोक्सिडिल लगाने से कोई अलग से बोझ नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ है। हफ्ते में एक दिन लगाते रहो, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपके बालों का रिजल्ट भी अच्छा लगेगा और बाल मोटे भी रहेंगे और बहुत फायदा करेगी। तो ऑयल से अच्छा आप क्या लगाओ, मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करते रहो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक ये हेयर फॉल रोकने का भी अच्छा खासा, हेयर फॉल भी रुकेगा उससे और आपके बालों में कोई तकलीफ भी नहीं होगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको इसमें ऑयल के बारे में मैंने बता दिया, बस इतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप यदि अपनी स्किन पर किसी भी प्रकार का क्रीम नहीं लगाओगे, किसी भी प्रकार की क्रीम नहीं लगाओगे, तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन से ऑयल आने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आप क्रीम लगाना शुरू कर दोगे, दूसरे दिन चिचड़ आएगी आपकी बालों में, मतलब गाल में, कि ऐसा लगेगा कि कुछ लगा लूँ, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ होता है, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है कि भगवान ने जो दिया है बस उसको निकलने दो। जब तेल नहीं चलते होंगे तब उस टाइम पर क्या लगाते होंगे लोग, बताओ। ये सब चीज़ें सोचा करो आप लोग, प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी जरूरी है कि जो बना दिया, जो रूल बना दिया बस लगे हैं, ठीक है। वो तो लोगों ने चमक बढ़ाने के लिए कर दिया था स्टार्ट, ठीक है। तो आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है तो बिल्कुल भी मत ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ऑयल वायल आप तो बढ़िया नॉर्मली एक मिनोक्सिडिल ले लो, मिनोक्सिडिल को लगाओ और टाइम टू टाइम हफ्ते में एक दिन या दो दिन अपने बाल को साफ करो, ठीक है, बालों को शैम्पू करो। नहीं तो क्या होता कि हम ऑयल लगाएंगे, आज ऑयल लगाएंगे कल कचरा भर जाएगा, फिर हमें साफ करना पड़ेगा, इसलिए ऑयल मत लगाओ, कचरा भर जाता है उससे। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।